मैं कन्हैया कुमार आपका स्वागत करता हूँ कुमार प्रिंसिपल चैनल पर। और आज ये वीडियो एनवायरमेंटल साइंस जो सारे स्टूडेंट्स के पास है, मतलब DU का है, वो चाहे DU सोल का हो, चाहे DU रेगुलर का हो, चाहे वो इग्नू का हो, चाहे वो NCVAP किसी भी कॉलेज का हो, स्टूडेंट हो BA का, तो वो BA क्या क्या मतलब BCOM या BSc सबके पास ये एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो आज इसी एनवायरमेंटल साइंस का ये Chapter 4 है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में, हिंदी में नाम है इसका जैव विविधता, और इसका ये Part 5 है। अगर इसके आपने अगर 4 पार्ट शुरू के नहीं देखे तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और ये DU सोल, DU रेगुलर, SOL, NCVAP, इग्नू विग्नू सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत अच्छा वीडियो है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, इसका ये Part 5 है। तो बस चलते हैं वीडियो में, शुरू करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। जैव विविधता का संकट, पिछली इस वीडियो में हमने पिछली सारी वीडियो थी वो सॉरी Part 4 था, उसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के क्या मतलब, कैसे कैसे एक्शंस हैं उनको, मतलब क्या क्या भारत सरकार ने और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम किए गए हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं जैव विविधता का संकट, और इसी वीडियो में आपको संकट और संरक्षण दोनों के बारे में पता चलेगा कि जैव विविधता का संकट क्या है, जैव विविधता को और किससे है, और संरक्षण इसको हम कैसे कर सकते हैं वो भी है। तो प्लीज़ ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, प्लीज़ बने रहें। चलिए अब देखते स्टार्ट करते हैं। मानव अधिकांश प्राकृतिक परितंत्रों का अति उपयोग करने लगा है। पहली बात तो ये कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वो प्रकृति के परितंत्रों का अति उपयोग करने लगा है ना। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानव कार्यकलाप 2050 तक, यहाँ पर उन्होंने एक डेट फिक्स कर रखी है, 2050 तक लगभग 1 करोड़ प्रजातियों का को नष्ट कर सकते हैं मानव के जो ये अति उपयोग वाले कार्यकलाप हैं वो। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि मतलब मानव के अति प्रयोग से होने वाले नुकसान जो 2050 तक हैं वो 1 करोड़ लगभग प्रजातियाँ ख़त्म कर देंगे। तो ये भी बहुत मतलब मेन पॉइंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जैव विविधता को, क्योंकि जैसे जैसे प्रजातियाँ नष्ट होंगी वैसे वैसे जैव विविधता कम होगी, जैव विविधता कम होगी तो आपको जो प्रोडक्ट्स इस टाइम दिख रहे हैं मार्केट में या फिर आपके घर में वो नहीं मिल पाएंगे जो आप यूज़ करते हैं। तो बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा आता है हमारा, इस महाविनाश का काफ़ी कुछ संबंध जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकरण और भूमि के उपयोग में परिवर्तन से है। इसमें आप कुछ इन्होंने कारण भी दे रखे हैं कि किस वजह से हो रहा है। एक तो जनसंख्या की वृद्धि हो गई, पहली बात। दूसरी बात है कि औद्योगिकरण, मतलब जो लोग विकास की तरफ होड़ लगे हुए, विकास 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 करने के चक्कर में, वो हमारे प्रकृति को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, उन पर भी उनका ध्यान नहीं है इस टाइम पर, वो जबकि होना चाहिए था, बट क्या बोल सकते हैं। और तीसरा कारण है भूमि के उपयोग में परिवर्तन, मतलब भूमि का जो उपयोग होता था पहले अपने उपयोगों के लिए, मतलब जंगल का उपयोग अपने मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता था, मगर अब क्या होता है कि अब वहाँ पर खेती करनी स्टार्ट हो जाती है ताकि हम अपने सामान को, प्रोडक्ट को मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकें, अपना पालन पोषण कर सकें, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ भूमि को सेपरेट जंगलों में ही छोड़ देना चाहिए, यही करना चाहिए था हमें, मगर देखते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे में हम देख सकते हैं द्वीपों के प्राणी जो होते हैं, पौधे जो सभी ओर से समुद्र से घिरे हुए होते हैं, द्वीपों में जो द्वीप होता है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसमें जो पौधे और प्राणी होते हैं छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों के में स्थानीय होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, अलग उसमें स्थानीय ही होते हैं, मतलब वहीं पर वो मिलते हैं। कुछ जानवर एक ही इलाके में मिलते हैं, कुछ जानवर उसी इलाके में मिलते हैं केवल। तो अभी तक मानव के कार्यकलापों से सबसे अधिक प्रभावित वही हुए हैं, क्योंकि उनकी मतलब जब वो एक ही एरिया में मिलते हैं और लोग वहाँ पर अपने आगे घर बसा लेते हैं या फिर कुछ भी काम करना चालू कर देते हैं, तो वो जानवर धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म होना चालू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट था, ये हमने पढ़ ली संकट, और संकट के भी और पॉइंट्स हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो बस देखते हैं अब उनमें क्या आगे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में वनों और घास के मैदानों को लगातार खेती के कामों की ओर मोड़ा जा रहा है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वनों को लगातार खेती के कामों की तरफ मोड़ा जा रहा है, जिस कारण इनका अधिक दुरुपयोग हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, शॉर्टकट में समझ आए। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़े तरीके से लिख रखा है इसे, बट मैंने आपको शॉर्टकट में बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आए और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख के आएँ। ये हो गया, इनका खेती की तरफ मोड़ा जा रहा है इनको, ताकि इनका जिस कारण इनका दुरुपयोग हो रहा है। वनों की जैव विविधता को कम करने वाले एक और कारण भारत में ऐसी विदेशी घासों का आना है जो प्रकृति वनस्पति का अंग नहीं होती है ना। अब ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। वनों की जैव विविधता जो भारत में घट रही है, भारत में या फिर कहीं पर भी, इस वजह से घट रही है कि वहाँ यहाँ पर क्या होता है कि कुछ विदेशी घासों को ले आया जाता है और
उससे क्या होता है, विदेशी घासें अपना जो प्रसारण होती हैं, जो अपना मतलब फैलाना, अपना फैलाव जो होता है वो बहुत ही जल्दी कर लेती हैं, बहुत ही कम टाइम पे कर लेती हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो वहाँ पे प्रकृति, जो मतलब वहाँ पर नेचर में ही वहाँ पर रहती थी पहले, की पौधे पशु रहते थे, वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे सिमटने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, और वहाँ पर विदेशी घास या जानवर आने स्थापित हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से हमारे जैव विविधता को नुकसान होता है, जो इस टाइम पे करंटली किसी भी देश में रह होती है उसको नुकसान होने लगता है, क्योंकि हमारे विदेशी वनस्पति का प्रसारण होने लगता है। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेंटेना और यूपेटोरियम की झाड़ियाँ और कांग्रेस ग्रास, ऐसी कुछ आम मिसालें हैं। तो आप इनको पहले एग्ज़ाम, अगर इसको आप एग्ज़ाम में लिखेंगे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके टीचर पर, जो उनके जो आपकी क्या कॉपियाँ चेक करेंगे, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते रहें, अच्छा रहेगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। लेंटेना और यूपेटोरियम की झाड़ियाँ और कांग्रेस घास, ऐसी कुछ आम मिसालें भी हैं, मैंने एग्ज़ाम्पल अभी आपको दे दिया है ना। अब आते हैं संकट, हमने पढ़ लिया कि किन किन चीज़ों से संकट था मतलब जैव विविधता को, अब हम पढ़ते हैं कि इसका संरक्षण किस स्तर पर किया जाए, कैसे किया जाए। तो संरक्षण अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण यथास्थल और बहिस्थल, यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पहला पॉइंट है इंसीटू, इंग्लिश में बोलते हैं इंसीटू, और यथास्थल बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा जो है वो है बहिस्थल, उसको बोलते हैं एक्ससीटू। तो इन दोनों को ही बहुत अच्छा मतलब हर बार एग्ज़ाम में मिल ही जाता है आपको, मिल ही जाएगा लिखने के लिए, पूछने के लिए, देखने के लिए, तो बस आप इसको ध्यान से पढ़ें समझें। अब ये देखते हैं कि यथास्थल और बहिस्थल संरक्षण क्या है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैव विविधता को उसके सभी स्तरों पर जननिक प्रजातियों के रूप में और अप्रभावित परितंत्रों के रूप में यथास्थल ही सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। यथास्थल वर्ड का मीनिंग है इनसीटू, इनका मतलब ऐसे आप समझ सकते होंगे, इनके मतलब उसी में, इनका मतलब होता है में, तो जहाँ पर वो मतलब जैसे पौधे और या फिर कोई भी वनस्पति या फिर कोई भी जानवर उसी जिस एरिया में रह रहा है उसी एरिया को कवर कर देना, बिल्कुल सरकारी तौर पर, कि मतलब उसमें अब कोई भी मतलब आदमी वहाँ पर नहीं जाएगा, उसी एरिया को कवर कर देना, एक तरीके से उसी को संरक्षण कर देना, उसको ही मजबूत तरीके से ढंग से मतलब उसको बिल्कुल कवर कर देना एक तरीके से, उसी को बोलते हैं यथास्थल। उस जिस जानवर जिस जगह पर कोई भी पौधा या फिर कोई भी जानवर जिस जगह पर पहले था उसी जगह को कवर करके अच्छे तरीके से मतलब रेस्क्यू करना, उसे ही बोलते हैं यथास्थल, है ना। इसलिए इसमें इन आ रहा है इनसेटू, मतलब वहीं पर उसमें ही उसको संरक्षण करना और रखा जा सकता है ना। अब हम देखते हैं अतीत में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ स्लोड, है ना, यहाँ पर फिर इसको पढ़ने में आसानी होगी। अतीत में बाघ, शेर, हिरण, हाथी जैसे बड़े वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए ही भारत में राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, गए गए थे। फिर इन क्षेत्रों को बढ़ाकर उनमें ऐसे अपेक्षाकृत अप्रभावित प्राकृतिक परितंत्र भी शामिल कर लिए गए। अतीत में क्या किया गया था, पहले जो हम अगर हिस्ट्री में पढ़ें अपनी, तो उसमें क्या हुआ था, बाघ, शेर, हिरण जैसे आपको पता है कि इनकी थोड़ी सी जनसंख्या घटने लगी थी, हाथी जैसे बड़े वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए ही भारत में राष्ट्रीय पार्क बनाए गए, जिस कारण से उनका संरक्षण हो पाए, ताकि वहाँ पर उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए राष्ट्रीय पार्क बनाए गए। फिर इन क्षेत्रों को बढ़ाकर उनमें ऐसे अपेक्षाकृत अप्रभावित प्राकृतिक परितंत्र भी शामिल कर दिए गए, मतलब पहले जानवरों का था, फिर परितंत्र को भी उसमें शामिल कर दिया गया, ताकि वहाँ पर और अच्छे तरीके से वो अपना जीवन यापन कर सके जानवर, जिनमें सूक्ष्म एक कोशिकीय पौधे और प्राणियों से लेकर विराट वृक्षों को सुरक्षित रखा गया। अब इसमें देखिए, पहले क्या हुआ, जानवरों को केवल इसमें वो इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था, राष्ट्रीय पार्क बनाए गए। फिर क्या किया इसमें, इसको थोड़ा सा और अपेक्षा मतलब अपनी अपेक्षा से बढ़कर और अप्रभाव मतलब इसको इसमें क्या किया गया, प्राकृतिक परितंत्र को भी शामिल कर दिया गया, जिसमें सूक्ष्म एक कोशिक जीव, पौधे और बड़े बड़े जो वृक्ष होते थे उनको भी शामिल कर दिया गया, ताकि वो भी संरक्षण हो पाए, उनका भी मतलब वो भी बच सके हमारे आने वाले भविष्य के लिए, उनका भी कोई उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ये हो गया हमारा एक्ससीटू, वो सॉरी इनसीटू, मतलब यथास्थल उसी स्थान पर संरक्षण करना जिस स्थान पर वो जानवर पहले से थे या फिर रह रहे थे, बस उसी स्थान पर। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है हमारा इनसीटू, वो सॉरी एक्ससीटू, बार बार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। अभी फिलहाल हम इनसीटू के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ी और बातें इनसीटू वो एक्ससीटू के बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसको देखें। भारत में 589 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें 99 तो राष्ट्रीय पार्क हैं और 500 अभयारण्य हैं, है ना।
500, वो भारत में क्या है, भारत में अगर आपसे कोई संख्या पूछे कि कितने मतलब एरिया संरक्षण कर रखा है सरकार, भारत सरकार ने, तो टोटल है 589, और दो तरीकों में कर रखा है। पहला है राष्ट्रीय पार्क में, 89 तो राष्ट्रीय पार्क हैं, और 500 जो है वो अभयारण्य है। तो टोटल 589 हो गए, इनको संरक्षित कर रखा है भारत सरकार ने। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मतलब समझें। इनमें से कुछ तो दुनिया में कहीं और ना मिलने वाले जंगली पौधे हैं, जब ये आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें से जो कुछ पौधे हैं वो कहीं पर पूरी दुनिया में ही नहीं मिलते, वो सिर्फ भारत में मिलते हैं, और प्राणियों की अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। इनमें से जो कुछ पौधे हैं वो कहीं नहीं मिलते, सिर्फ भारत में मिलते हैं, है ना, पहली बात तो ये। और प्राणियों की अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं, मतलब उनको सुरक्षित रखने के लिए ही बनाया गया है राष्ट्रीय पार्क या फिर अभयारण्य, है जो 589 सरकार ने संरक्षित कर रखे हैं क्षेत्र वो। अब आते हैं हम थोड़ा सा इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, नेशनल तो हो गई काफ़ी, अब आते हैं हम इंटरनेशनल थोड़ी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संघ, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में IUCN भी लिख सकता था, बट मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपको ताकि आसान हो, आप इसके फुल फॉर्म भी समझ सकें अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का कहना है कि अगर जैव विविधता का दीर्घकालीन संरक्षण करना है तो सभी प्रजातंत्रों को कम से कम 10% भाग संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहने का मतलब है, जो इंटरनेशनल हमारा IUCN जो है, उनका कहना है कि अगर किसी भी देश को या फिर किसी भी मतलब विदेश देश विदेश को किसी को भी अगर मतलब अपने जैव विविधता को संरक्षण करना है तो अपने जैव विविधता का कम से कम 10% भाग संरक्षण करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी जानवर है, उसको 10% पहले ही संरक्षण में रखा जाए, संरक्षण किया जाए उसका, चाहे वो पौधा हो, वनस्पति हो, या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव हो, सबको 10-10% रखा जाना चाहिए। मतलब 100% है अगर हमारे पास तो उसका 10% तो रखा ही जाना चाहिए संरक्षण के रूप में। ये है IUCN का कहना। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। भारत में 2004 में, ये देखिए, भारत में 2004 में केवल 5% भूमि 589 क्षेत्रों में शामिल थी। मतलब जो ये 589 क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाई कि भारत में संरक्षण कर रखे हैं भारत सरकार ने, ये सिर्फ 5% है अभी। मतलब इसका दो गुना हमें करना चाहिए था, बट हमने सिर्फ 5% कर रखा है, भारत सरकार ने सिर्फ 5% ही संरक्षण कर रखा है मतलब जैव विविधता का, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। जबकि IUCN ने बोल रखा है 10% अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, तो इसका 10% बढ़ाना चाहिए, मतलब 10% को करना चाहिए। और तो ये सोचने वाली बात है, भारत सरकार ने सिर्फ 589 क्षेत्रों का संरक्षण शामिल कर रखा है, बल्कि उसे उन्हें और करना चाहिए था। ये हो गई बात खत्म यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए सामुदायिक रिजर्व या सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र बनाने की वैकल्पिक रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। ये देखिए, हमने पहले बात करी कि भारत में कितने क्षेत्र संरक्षित हैं, फिर इंटरनेशनल मार्केट पर आए कि उन्होंने क्या बोल रखा है, कितने हमें क्षेत्र संरक्षित करने चाहिए, और अब इसकी आवश्यकता हमें है कि हमें इतने क्षेत्र और संरक्षित करने चाहिए। हमने सारी बातें पढ़ ली, अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट काफ़ी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जितना कर सकें आप करें, और क्योंकि ये आपके लिए ही सिर्फ है, तो प्लीज़ हेल्प करें और शेयर करें, और बस मैं नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं। अब चलते हैं हम आगे। हमने पढ़ लिया इन सीटू, अब हम पढ़ते हैं एक्स सीटू, बहिस्थल जिसे बोलते हैं। पहले इन सीटू क्या था, इन सीटू था उसी स्थान पर संरक्षण करना जिस स्थान पर वो पशु पक्षी या जानवर रह रहे थे पहले से, उसी स्थान पर। अब आता है हमारा एक्स सीटू, बहिस्थल संरक्षण, मतलब एक्स मतलब बाहर, एक्सट्रा जैसे हमने बोलते हैं एक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये एक्स उसी तरीके से हम आप याद रख सकते हैं कि एक्सपोर्ट मतलब एक तरीके से बाहर, और इम्पोर्ट मतलब अंदर। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है हम ये पढ़ेंगे, मतलब जब कोई संकटग्रस्त प्रजाति विनाश के इतने करीब होती है कि अगर वैकल्पिक विधियां ना अपनाई जाएं तो वह प्रजाति तेजी से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ये देखिए थोड़ा सा गंभीर बात है, उसमें तो हमने पढ़ लिया था कि जिस एरिया में जानवर रह रहे हैं उसी को संरक्षण कर दिया जाए इन सीटू में, यथास्थल में, मगर एक्स सीटू में ये बात आ रही है कि ये विधि एक तरीके से तब अपनाई जाती है बिल्कुल जब वो बिल्कुल विनाश की तरफ होते हैं, बिल्कुल ख़त्म होने वाले होते हैं, ये वैकल्पिक विधि हमारे पास जिससे हम उनको बचा सकते हैं, ख़त्म हो जाएगी अगर हम उसका मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं करेंगे। तो इस रणनीति को बहिस्थल संरक्षण कहते हैं, अर्थात पौधों के लिए वनस्पति उद्यान या
प्राणियों के लिए चिड़ियाघर जैसी विनियंत्रित स्थिति पैदा करके उस प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना। यहाँ देखिए मैंने लिख भी रखा है बल्कि आवास से बाहर संरक्षित करना, मतलब कोई भी जानवर है या फिर कोई भी पौधा है उसको उसके आवास से बाहर निकालो, उसको एक इस पे अच्छी से मतलब सेफ जगह दो, उनको खाना पीना दो, उनकी मतलब डे टू डे लाइफ को अच्छे तरीके से कवर करो, तब हम उसका संरक्षण कर सकते हैं बाहर निकाल के, उनके आवास से बाहर निकाल कर और इन सीटू आवास से आवास में ही रख कर। ये दो बातें बस आप याद रख लें, बाहर और अंदर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई प्राणी अगर विनाश के कगार पर हो तो, है ना, कोई प्राणी अगर विनाश के कगार पर हो तो सावधानी से उसका प्रजनन किया जाना चाहिए ताकि अत प्रजनन के कारण उसकी जीन संरचना कमजोर ना पड़े। अब ये देखिए, अगर मान लिया हमारे पास बहुत ही कम जानवर हैं या फिर कोई भी प्राणी बहुत ही कम संख्या में बचा हुआ है, तो उनका जो प्रजनन प्रक्रिया हमें जो करनी चाहिए वो बिल्कुल सावधानी तरीके से करनी चाहिए ताकि उनकी जो प्रजनन करने की शक्ति है वो कमज़ोर ना पड़े और उनके जीनों पर कोई असर ना पड़े, इस वजह से बस, और कोई बात नहीं है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। भारत में बाह्यस्थल संरक्षण के सफल कार्यक्रम हमारे मगरमच्छों को 3 प्रजातियों के लिए चलाए गए हैं, ये अत्यधिक सफल रहे हैं। भारत में जो मगरमच्छ थे एक टाइम पर ख़त्म होने वाले थे, उनकी वो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रजातियों के लिए चलाए गए हैं, तीनों प्रजातियों के लिए, मतलब 3 प्रजातियाँ होती होंगी उनकी, तो तीनों प्रजातियों के लिए चलाए गए थे और ये अत्यधिक सफल भी रहा है। सफल किस कारण से रहा है ये देख लेते हैं। अब सबसे सफल उदाहरण मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक, एक नाम है मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक का है, जिसमें मगरमच्छ 10 से बढ़कर 8,035 हो गए, 8,035 हो गए, आप इसको 8-9 ना समझें, 8,035 हो चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, मतलब पहले 10 मगरमच्छ केवल बचे थे मगर उन्होंने संरक्षण करा, उसका प्रजनन करा, जिस कारण से आज वो मगरमच्छ प्रकृति में 8,035 हो चुके हैं बढ़कर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी तरीके से इनका संरक्षण करना चाहिए। तो बस अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ हमारा, चैप्टर 4 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी आज क्लोज हो चुका है चैप्टर इसका। तो अगर ये आप थोड़ी वीडियो लंबी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल तो है वैसे आपके लिए, बट आप इसको कैसे लेते हैं ये आपकी चॉइस है। ये अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पेपर में इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारे मतलब सब्सक्राइबर के चैनल में जुड़ने, वो हमारे मतलब एक जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसमें जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें आपको अच्छा लगा तो, बस और कुछ नहीं। और बाकी आप अपना समझदार हैं, बहुत अच्छे समझदार हैं, तो प्लीज़ आप समझ गए होंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 5 के साथ एनवायरमेंटल साइंस के, तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।